नमस्कार दोस्तों, मैं मुनेश। आज हम बनाएंगे अंगूर की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए हमने ये कच्चे अंगूर लिए हैं, हमारे घर पर लगे हुए थे। ये पकने के बाद काले पड़ जाते हैं, अगर कच्चे हैं तो ये बहुत खट्टे हैं इस टाइम। इसके लिए हमें दो टमाटर चाहिए, दो हमने हरी मिर्च ली है और लहसुन लिया है 2 से 3, और दो हमें हरी प्याज चाहिए और नमक मिर्ची हल्दी तेल चाहिए इसके लिए। अब हम इन्हें अच्छे से धुल के काट लेंगे। हमने अपने अंगूर काट लिए हैं और आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बीज से काटे हैं, और इनके दाने भी निकाल देने हैं। आप इनका बीज निकाल कर फेंक दें। और प्याज भी हमने काट लिए, इसी प्रकार हमने टमाटर काट लिए हैं और दो हरी मिर्च बारीक बारीक काट लिए हैं, और लहसुन हमने थोड़ा मोटा मोटा छेद दिया है। पैन में हम तेल डाल देंगे, अब थोड़ा जीरा डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है, जीरा भुन चुका है, प्याज डाल देंगे और हम प्याज ब्राउन करने तक भून लेंगे। अभी हम इसमें अपना ये लहसुन भी डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे। वैसे अच्छे से हम भून लेंगे ब्राउन करने तक। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब टमाटर डाल लेंगे। अब हम नमक डाल लेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें, हम आधा चम्मच डाल लेंगे। हल्दी पाउडर हम आधा चम्मच डाल लेंगे और थोड़ी हम लाल मिर्च डाल लेंगे। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और हम इसे अच्छे से चलाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने अंगूर ये इसी में डाल लेंगे और अच्छे से चलाकर 5 मिनट सिम आंच पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें आप कभी भी जब सब्जी बनाएं तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है, मसाले इसमें कम ही डालें। सब्जी बन चुकी है, हमने नीचे उतार ली है। आप अंगूर चटनी में भी प्रयोग कर सकते हैं अगर खट्टे हैं तो, कच्चे।